नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आयुर्वेद के मधुमेह विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे आचार्य दीपक जी। दीपक जी से आज हम मधुमेह के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे कि मधुमेह बीमारी किस तरह से फैलती है, क्या इसके सिम्टम्स है और ये किस तरह से अपना गंभीर रूप ले लेती है। तो इसी चर्चा में हमारे साथ दीपक जी रहेंगे। तो दीपक जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि डायबिटीज़ बीमारी क्या है। देखिए, डायबिटीज़ आज एक ऐसा शब्द है जो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में एक परिचित है। लगभग सभी व्यक्ति इस शब्द से परिचय में हैं, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि लगभग सभी घरों में ये किसी न किसी व्यक्ति को धीरे धीरे आ रहा है और आने वाला समय ऐसा रहेगा जैसा आज की स्थिति है कि लगभग सभी घर में व्यक्ति जो है इससे ग्रसित होगा। तो जो मधुमेह रोग है, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लक्षण हैं, लेकिन जैसा देखने में आया है, क्योंकि मुझे भी कई वर्ष आयुर्वेद से जुड़े हुए हो गए और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह एक रोग नहीं है। कुछ रोग हैं शरीर के अंदर जो व्याप्त हो जाते हैं और जब वह रोग कुछ समय तक लगातार चलते हैं तो उनकी जब उनकी चिकित्सा ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, उनकी जब चिकित्सा न होने के कारण एक विकृति जब उनकी हो जाती है तो तब यह इस रोग की उत्पत्ति होती है। तो यह एक विकृति, मैं इसको समझता हूँ कि ये रोग ना होकर के रोग की विकृति है। रोग की विकृति कैसे, जैसे एक प्रमेह रोग होता है आयुर्वेद में, उसमें क्या होता है कि जो प्रमेह रोग है उसके अंतर्गत शरीर में जो है जो अनुचित आहार होता है, हमारा जो खान पान है जब ठीक प्रकार से नहीं होता तो जैसे हम उसको गलत आहार विहार लेते हैं, उसको सेवन करते हैं, तो उससे हमारे जो धातुएं जो बनती हैं, रक्त मांस आदि जो बनती हैं, ये दूषित हो जाती हैं और दूषित होने पर यह जो हमारा जो पाचन सिस्टम जो है, जो अग्नाशय है हमारा, उससे जो हार्मोन्स जो निकलते हैं, उससे जो स्राव निकलते हैं इंसुलिन नाम का, वह प्रॉपर नहीं निकल पाता। क्योंकि उसमें क्या कारण होता है, एक कारण यह भी है कि हमारी मानसिक स्थिति जब चिंता युक्त हो जाती है, तनाव जब आ जाता है और शारीरिक श्रम का जब अभाव हो जाता है, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो पैनक्रियाज और लीवर जो ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं उनकी जो कार्य शक्ति है वह मंद हो जाती है और मंद होने पर उनके जो प्रॉपर निकलने वाले जो रस हैं, जो हार्मोन्स हैं, वह नहीं निकलते, जिस कारण से यह जो हम जो भोजन लेते हैं वह भोजन ठीक प्रकार से उसका परिपाक पाचन नहीं हो पाता। और जब पाचन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो उसके जो भोजन है, भोजन के अंतर्गत जो शर्करा है, चीनी की जो मात्रा है, वह पूरी ना पचने के कारण से वह हमारे रक्त में मिल जाती है और हमारे किडनी के पास पहुंच जाती है और डायरेक्ट पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है। जो रक्त में मिल जाती है वह स्किन रोग पैदा करती है, जिसमें पीड़िकाएँ हो जाती है, जो फुंसी फोड़े हो जाते हैं। और आपने देखा होगा और लोग परिचित भी होंगे कि शुगर का जो पेशेंट होता है, डायबिटीज़ जिसको होती है, उसके अगर यदि कोई फोड़ा निकल जाए या कोई घाव हो जाए तो वह जल्दी से भर नहीं पाता, वह जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसा भयंकर इसका परिणाम होता है। कारण इसका यह है कि हमारा जो आहार विहार है वही दूषित होने पर इसकी उत्पत्ति होती है। प्रमेह रोग होगा उससे होगा, या आनुवंशिकता, जैसे हमारे माता पिता को है, दादा दादी को, नाना नानी के यहाँ किसी को है, तो वो भी जो है जनरेशन में आता है, ब्लड के साथ में आता है, वह भी कारण होता है। दूसरा मैंने बताया कि तनाव रखना, मानसिक स्थिति खराब रहना, या फिर जो है आपका जो भोजन है उसमें विकार होना, आपका शारीरिक श्रम जो है वह कम हो जाना, तो यह इसकी जो है उत्पत्ति के कारण है। जब शरीर में रोग यह व्याप्त हो जाता है, यह अवस्था शुगर की आ जाती है, तो आप मान लीजिए कि शरीर जो है एकदम खराब हो जाता है और जीवन जो है वो भी एक जैसे नर्क बोलते हैं ना, वो उस तरह का आदमी को महसूस होने लगता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति ना कुछ खा सकता है ना पी सकता, शरीर में कई बार वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर फूल जाता है, शरीर की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वह एकदम क्षीण हो जाती है और शरीर में देखने में तो हृष्टपुष्ट शरीर लगेगा लेकिन वह जो है कार्य क्षमता उसकी बिल्कुल न्यून हो जाती है। इसका कारण एक मोटापा भी होता है। हम खाते हैं बहुत अच्छा गरिष्ठ भोजन लेते हैं लेकिन उसको पचाने के लिए श्रम करते नहीं है, तो वो जो मेटाबॉलिज्म है उसकी जो क्रिया है वो बिगड़ जाती है, उससे भी जो है हमारा जो इंसुलिन है वह बंद हो जाता है। तो इसलिए कई लोगों को बाहर से जब कंट्रोल नहीं होता तो बाहर से जो बने हुए इंसुलिन आते हैं उनको देना पड़ता है उस भोजन को पचाने के लिए। तो यह एक रोग ना होकर के एक रोगों की विकृति है। तो इसको बचाने के लिए जो है
हमें केवल यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रोगी ना हों, ये इसका उपाय है। क्योंकि यदि रोग कोई भी हो जाता है, और अधिकांशतः यह जो उदर के रोग होते हैं जिसके पेट अधिक खराब रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और आज के समय में जो है भोजन सभी गरिष्ठ लेते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं और श्रम बहुत कम हो गया है, तो मुख्य कारण यही है। जो इसका बढ़ता हुआ जो रूप है उसके मूल में यही है कि हमने जो है अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर दिया है, तो उसको सुधारना इसका एकमात्र विकल्प है। और जब यह रोग हो जाएगा तो फिर हम इसकी चिकित्सा के लिए भागते हैं, लेकिन उस समय इसकी चिकित्सा बहुत ही कम आप ले सकते हैं, क्योंकि इसकी चिकित्सा फिर बाद में मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए जिसको यह रोग हो गया है वह सावधान होकर के कुछ चीज़ें हम इसमें दवाइयां बताएंगे उनका प्रयोग करेंगे, और दूसरा जो है इससे पहले ही आप सावधान हैं कि कोई भी रोग ना आने पाए। क्योंकि मैंने कहा जैसा मैं अनुभव मेरा है कि यह रोग नहीं है, यह रोग की विकृति है, तो आप रोग ही कोई ना होने दें, रोग से ही बच के रहें, तो रोग से यदि आप बच के रहेंगे तो उसकी विकृति होगी नहीं। तो ये है जो है इस प्रकार से रोग की इसकी उत्पत्ति होती है। वैसे तो बहुत सारे इसके कारण हैं और भी कई सारे, लेकिन मुख्यतः यही है जो चीज़ इसमें जिसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। तो बहुत अच्छा आपने बताया। और इसमें दीपक जी, हम इसमें कैसे बच सकते हैं और इसका क्या हमारा उपचार है, किस तरह से हम इसको फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, तो बताइए आप। हाँ, इसमें यदि आपको रोग आ गया है तो आप उसमें जो है संयमित जीवन को करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। संयमित जीवन, यदि आपको डायबिटीज़ हो रही है, प्रारंभ अवस्था है या फिर जो है बढ़ चुका है, तो उसमें आप एक तो खान पान पर एकदम बिल्कुल नियमित कीजिए, उसको अच्छे किसी जो आहार विहार के व्यक्ति जानकार से आप सलाह लीजिए। और इसमें क्या करना होता है कि जैसे आपको रोग आ गया तो आप उस अवस्था में अपने खान पान में एक तो सलाद को जोड़ें, सलाद ज़्यादा मात्रा में खाएँ, और हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें, और चिंता और तनाव से बचें, इससे दूर रहें, मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखें। दूसरा, श्रम करना प्रारंभ करें। अब जब शरीर में जब रोग आ गया तो इसमें क्या है, वीकनेस जो है शरीर में नेचुरल आ जाती है, क्योंकि शारीरिक क्षमता के खत्म होने के बाद ही इस रोग की उत्पत्ति होती है, ये हमारी पूरी बॉडी की जो रेसिस्टेंस पावर उसको खा जाता है। तो उस समय शारीरिक श्रम तो आप ज़्यादा कर नहीं सकते, तो उस अवस्था में आप जो है योग आदि साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, योग को जीवन में अपना सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और घूमना फिरना, चलना सुबह शाम में, वॉक करना, ये इसके लिए बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन का काम करता है। और यदि किसी को नहीं आया है तो सावधानी पहले से रखें कि अपने खाने में दिनचर्या को एकदम ठीक सुचारू रूप से चलाते रहें, खाने में अच्छे पदार्थों का जो हमारे आयुर्वेद में मनुष्य के लिए खाने योग्य पदार्थ कहे गए हैं उनको शामिल करें, और जो अनावश्यक पदार्थ हैं जो खाने के योग्य नहीं गरिष्ठ हैं। दूसरा, हम क्या वर्क करते हैं उसके अनुसार अपना, यदि हम हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड भोजन ले सकते हैं, और लाइट वर्क करते हैं तो लाइट भोजन लें। जो भी हम भोजन ले रहे हैं वे पचना चाहिए, ऐसा भोजन हमें लेना है, और इस भोजन को आप यदि लेते रहेंगे, शारीरिक श्रम योग अभ्यास आदि आप करते रहेंगे, या अपना जो भी वर्क है आप मतलब शरीर का शारीरिक श्रम करते रहेंगे, तो यह इसकी संभावना फिर बहुत कम हो जाती है, यह होगा नहीं। तो यह है दूसरा, इसमें यदि आपको रोग हो गया है तो उस अवस्था में आयुर्वेद में एक टैबलेट आती है, मार्केट में मिल जाती है, वसंत कुसुमाकर रस कई कंपनियों की आती है, तो आप उसको लेकर के अच्छी कंपनी के उसका प्रयोग करें, तो उससे बॉडी के जो रेसिस्टेंस पावर है वह बढ़ी रहेगी, और शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। दूसरा, एक चंद्र प्रभावती गोली भी आती है, तो क्योंकि इसमें कई बार जो ना लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगता है, क्योंकि जो शर्करा है वो पेशाब के द्वारा ही शरीर से बाहर जाता है, तो उसके लिए एक चंद्र प्रभावती टैबलेट आती है, उसका प्रयोग करें आप। तो दोनों गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं, एक गोली सुबह ले सकते हैं, दूसरी शाम को ले सकते हैं। और एक घरेलू उपचार है कि आप जो हैं 3 से 4 नीम के पत्ते लें, और 2 पत्ते बेल होते हैं ना, बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, 2 पत्ते उसके लें, और 3 पत्ते आप जामुन के, जो जामुन होते हैं खाने के, उस वृक्ष के 3 पत्ते लें। तो इन तीनों पत्रों को मिला करके आप सुबह खाली पेट, वैसे अगर चबा करके खाएं 10 से 15 मिनट में तो बहुत अच्छा है, और यदि आप चबा नहीं सकते, दांत कुछ लोगों को नहीं है या चबाने में प्रॉब्लम है, मसूड़ों में प्रॉब्लम है, तो वो इनका पेस्ट बना करके और थोड़ा पानी मिला करके इसको पी सकते हैं, तो
तो निराहार जब जो इसको लेंगे तो ये बहुत घरेलू चिकित्सा और बहुत लाभकारी चिकित्सा, मैंने कई लोगों पर इसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। तो नेचुरल इंसुलिन का ये काम करेंगे। तो ये सावधानियां हैं, ये सतर्कता हैं, इससे बच के रहें। नहीं तो जब डायबिटीज़ हो जाता है तो जो भी आपके शरीर में रोग व्याप्त है, पहले से कुछ रोग है, तो डायबिटीज़ उसी अंग को कवर करती है और उस रोग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसलिए जो है ये खतरनाक रोग है, इसको दिमाग में रखते हुए इससे सावधान रहें, इससे बच कर रहें और इसकी चिकित्सा, यदि ये रोग आ गया तो चिकित्सा में भी जो है सतर्कता बरतें। बहुत खूब बहुत खूब, कितना सुंदर आपने हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाई। दोस्तों आपको निश्चित ही इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जो दीपक जी ने बताया, जो चिकित्सा बताई, इसको आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए और निश्चित ही आपकी बीमारी दूर होगी। तो डायबिटीज़ को दूर करना बहुत ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है, आप इसको बस थोड़ा सतर्कता रखें और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको दूर किया जा सकता है। पहले दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी, हम आपके लिए ऐसी ही चीज़ें लेकर आते रहेंगे। और एक चीज़ हमारी रह गई है, एक गुरु मंत्र अगर आप कुछ देना चाहेंगे तो क्या? हाँ, गुरु मंत्र तो देखिए, गुरु का अर्थ होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो कोई तत्व है या कोई भी ऐसा सहारा है, उसको गुरु कहा जाता है। क्योंकि यदि हम अंधकार में हैं तभी हम दुख ग्रहण करते हैं, दुख हमारे पास आते हैं। तो यदि हम रोग की बात अभी कर रहे थे, तो रोग यदि हमें हो गया तो हम कहीं ना कहीं हम अंधकार में जी रहे हैं, हम जो है हमें जान नहीं है किसी चीज़ का। तो मैं उसके लिए यही कहूँगा कि हमारा जो शरीर है वो हमारे प्रकृति के आधार पर चलता है, जो हमारी प्राकृतिक है वही हमारी प्रकृति है, तो उसी के अनुरूप हमें जीवन को चलाना है। और साथ में योगाभ्यास जीवन के साथ यदि आप जोड़ कर रखेंगे, जीवन के साथ उसको युक्त बना करके रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप जीवन को सुखद रूप में जी सकते हैं, आपके पास कोई भी जो है रोग नहीं आएगा और आपका स्वास्थ्य, जो कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है, तो वह आपको ईश की कृपा से जो है प्राप्त होगा। सो बहुत सुंदर एकदम, ये गुरु मंत्र निश्चित ही दीपक जी हमारे दर्शकों के लिए जीवन मंत्र के रूप में साबित होगा, तो काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको इन चीज़ों से। तो होप करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आपका ध्यान रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।